लोगों ने बना लिया सिस्टम। बारिश बहुत तेज हो रही है, मैंने शहर भी जाना है। और ये देखें पीछे का सिस्टम तो सारा अभी दरिया बन जाना है उसने, क्योंकि यहाँ से जितना पानी है सारा ट्रैवल करते हुए ना, ये हमारे सहन से होता हुआ यहाँ से आता हुआ है। ये देखें किस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये सीधा उधर जा रहा है, देखें। अब मेरे पेरेंट्स बेचारे, मुझे उनकी इतनी टेंशन हो रही है कि वो उधर बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है ना, तो वहाँ जाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं छतरी ले आती हूँ, देखती हूँ उनका दाना पानी ना, और फिर चाय का भी कुछ करते हैं। ये सुबह सुबह ही हो रही है बारिश यहाँ पे। ये सिस्टम होता है कि ये देखें ये लकड़ियाँ जो है ना, हमने फिर इधर ही रख दी। अगर ये यहाँ ना रखते तो चाय कभी भी ना बनती। अब भी कोई आइडिया नहीं है, वो चूल्हे देखें कि बनेगी या नहीं बनेगी। वो मुर्गी देखी कैसे चुपकी बेचारे। तो यही हाल है, अब वो पागल है क्योंकि वहाँ पे तीन चार बैठी हैं, तो वो भी इधर आके बैठ सकती है। दरख्त बहुत खुश हो रहे हैं आज ना, मुसलसल तीन चार दिन से बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से, लेकिन कल रात ये देखो मैं चल पड़ी हूँ कहीं से पानी लेने। बारिश हो रही है तो घर में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, चलते हैं कहीं ले आते हैं। फिर रास्ते देखो ज़रा, अब मुझे नहीं आ रहा पर समझ के मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी। ओह माय गॉड, फाइनली मैंने इधर से जंप लगाया। और ये देखो मौसम, ये देखो जी रास्ते में बहुत गंदे रास्ते हुए पड़े हैं। मैंने इस हरी हरी वाली रास्ते पे चल के जाती हूँ, यहाँ से थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। दुआ करें मुझे कहीं से पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए। चाय बनाए हैं, बच्चे इतना खेल रहे हैं, इतना खेल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप? हाय 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 हाय, क्या करने? छतरी लेने। ये है मेरे पास, चलो फिर हमें दे। क्यों, क्या करना है? काम आती है। चलो चलो चलो, किसने कहा है? चाचू ने। किसने? चाचू ने। सो गाइस, बारिश जो है ना वो अभी तक नहीं थम रही, थोड़ा 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 चल रही है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने बना लिया सिस्टम। मैंने नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया। मुझे अभी खले भी पड़ेंगे क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, आटा भी गूंद लिया, ये भी हो गया सारा। तो अभी जैसे ही बारिश रुकी माहौल में इतनी हब्स पैदा हो गई जिसकी कोई हद नहीं। खैर उसी के साथ लाइट भी आ रही, फिर मैंने नहा लिया। और एक बात बताऊं, बाहर आया हुआ है जामुन वाला। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो मेरे, अब क्या कहूँ, दिल कर रहा था कि इनको जाके खरीदूँ, पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया कि भाई क्या चीज़ लेके जामुन ले सकती हूँ। खैर अम्मी से तो डांट मिल पड़ेगी अच्छी खासी, इंसल्यूट, हाँ गौरी कवि वाली इंसल्यूट अच्छी खासी होगी, लेकिन जामुन खाने हैं तो उसके लिए
मैंने लिया स्टेप, आपको भी दिखाऊं तो चेक दिस। ये हैं जी गंदम के दाने, मैंने दिए हीरा को और कहा कि जाओ और जाके जामुन ले आओ। और यहाँ पे मेरी अम्मी बैठी, शुक्र है मुझे कुछ भी नहीं कहा, खाना शाना देसी मुर्गी मेरी सिस्टर के घर से खाना बन के आया है और अभी हम खाएंगे इसे। और शादी मेरे जामुन आने वाले हैं, वो आ जाए मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने दानों में, यानी आपने गंदम के दाने देखे इतने थे और वो कितने जामुन देता है। देखें जी मैंने इतने सारे दाने दिए और उसने इतने कम दाने दिए, ओ माय गॉड। अब देखते हैं कि ये हैं कैसे, खाने में इनका टेस्ट कैसा है, अच्छे से देख लेना चाहिए। इतना इसके ऊपर उसने नमक लगा दिया है ना, टेस्ट तो इनका अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा खट्टा है, तो थोड़ा तीखा है, थोड़ा मीठा है, यानी कि ऑल फ्लेवर इसके अंदर है। हाय अल्लाह, इतना स्पाइसी। मौसम बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है और जानवर भी खुश हो रहे हैं क्योंकि बारिश थी तो अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। सो यहाँ पे पब्लिक बैठी है, गप्पे शप्पे लगा रही हैं इतनी सारी। हम मिलेंगे फिर कल इंशाल्लाह, हम भी थोड़े इनसे गप्पे लगा दें, हम कल आएंगे। अल्लाह हाफिज़।